अपने यहाँ जो राष्ट्रीय लेवल की जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है इसके बारे में? 69 वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 23 से 26 मार्च श्री कृष्णा स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन महेंद्रगढ़ में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। 28 राज्यों की टीम में एक इंडियन रेलवे की टीम, और इसमें से ही भारतीय कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा जो अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्शन कमेटी गठित की है। वो यहाँ आएंगी और हमारी बेटियों को प्रदर्शन के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा जो भारतीय टीम का आगे चल के भविष्य में प्रतिनिधित्व करेंगी। अच्छा, कोई प्राइज वगैरह किस प्रकार के? सर, इसमें प्राइज मनी नहीं होती, ये एक एफिलेटेड यूनिट है और इसके ही से राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी मेरिट पे आएंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में उनका जॉब लगता है। लगभग कितने खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे? 350 के करीब महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। जी, कैसी व्यवस्था की गई है? सर, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए श्री करमवीर राव जी CEO श्री कृष्णा स्कूल, आदरणीय श्री संजीत अवर्दी जिला अध्यक्ष कबड्डी संघ, श्री कृष्ण महासचिव और पूरी यूनिट जिला महेंद्रगढ़ की और पूरे प्रशासन DC साहब, SP साहब, ASP साहब, SDM साहब, पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। और मैं सारा श्रेय करमवीर राव जी को देता हूं क्योंकि इन्होंने पहल की कि ये प्रतियोगिता हमारे क्षेत्र में करवाई जाए और जिला महेंद्रगढ़ में करवाई जाए। ऐसी प्रतियोगिता पहली बार राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है तो उसका श्रेय सारा करमवीर जी को जाता है। ये तन मन धन से लगे हुए हैं कि अब तक जो भी नेशनल हुई है मैं सबसे बेटर प्रयास है कि हमारी बेटियों को खाने में रहने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो ये सारा श्रेय करमवीर जी को और जिला कबड्डी संघ को जाता है। यहाँ से पहले कहीं और भी हरियाणा में इस तरह का खेल का आयोजन हुआ है? जी, चरखी दादरी में 10 से 13 मार्च को पिछले साल सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हुई। मतलब बस एक ही हुआ है, दो चार बार नहीं, सीनियर नेशनल हमारी जून में हुई है मैन की, और जूनियर नेशनल हमने रोहतक में MD यूनिवर्सिटी में करवाई थी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आएंगे, क्या इसमें कोई इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी? जी, हर टीम में लगभग इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल होंगे और हमारी हरियाणा की कबड्डी टीम कैप्टन है प्रियंका पिलानिया जी, वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है और भीम हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड से उसको सम्मानित किया हुआ है। वो हमारी टीम कैप्टन है और हमारे राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हमारी हरियाणा टीम में लगभग बेटियाँ हैं। जी, कितनी मैच लगेगी यहाँ पर और क्यों उसका टाइम रहेगा, कितने बजे से कितने बजे जो मैच चलेंगे? इस प्रतियोगिता में 2 मैच लगेंगे और प्रतियोगिता का शुभारंभ आदरणीय श्री कृष्णलाल पवार जी, राज्यसभा सांसद, अध्यक्ष अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, और आदरणीय श्री तेजस्वी गहलोत जी, डायरेक्टर इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन एवं अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ के द्वारा किया जाएगा। 23 तारीख को शाम 4 बजे ओपनिंग सेरेमनी है। ये 5 दिवसीय है सर, ये 4 दिवसीय है सर, 4 दिवसीय 23 से 26। समापन समारोह भी 26 मार्च को शाम 4 बजे आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी मुख्य अतिथि होंगे। जी, सर, अभी अपने स्कूल को मेजबानी मिली है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारियाँ भी चल रही हैं, एक बार बताएं किस प्रकार से आप लोग तैयार हैं, 28 राज्यों की टीम और रेलवे की टीम यहाँ पहुँची? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कुलदीप दलाल जी का, अंकल संजीव जी का, और जो हमारे अध्यक्ष हैं कृष्णलाल पवार जी, उनका, कि हमारे क्षेत्र में ऐसी बड़ी टूर्नामेंट करने का मौका मिला है। दूसरा, जो भी कार्य हो रहे हैं सबके सहयोग से हो रहे हैं और सबका ही सहयोग है कि हम इतना अच्छा इंजाम करने में सफल हो पाए, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं, ग्राउंड में पानी भी भर गया था और व्यवस्थाएँ सारी ख़राब हो गई थी, लेकिन सभी का एक सामूहिक प्रयास था तो चीज़ें
अब मैनेज हो गई है। बहुत अच्छे से हमने ग्राउंड भी तैयार किए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। खिलाड़ी होंगे कोच और साथ में उनके जो मैनेजर होंगे, उनके लिए किस प्रकार के होटल्स में या हॉस्टल्स में किस प्रकार से व्यवस्था? देखिए, जो भी ऑफिशियल्स आएंगे या कोचेज आएंगे उनके लिए हमने जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स थे महेंद्रगढ़ में, हमने उनकी ठहरने की व्यवस्था वहाँ की है। और जो खिलाड़ी हैं उनकी ठहरने की व्यवस्था हमने यादव धर्मशाला में और यादव धर्मशाला के नज़दीक में जो माधव हॉस्टल है उसमें की है। ये बात तो सुरक्षा और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की, अगर बात करें इस पूरे प्रोग्राम की, तो ये पूरा प्रोग्राम क्या किसी ने संविधान के चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा? देखिए, अभी आपके सामने स्टार स्पोर्ट्स की टीम आई है और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पे कोई एंट्री फीस तो नहीं है, कैसे किस तरह से कैटरिंग को एंट्री फीस कोई भी नहीं है, लेकिन जो एंट्री है वो हम गेट पास के थ्रू ही देंगे ताकि परिवार के जो लोग हैं वो भी एक साथ आके और उस चीज़ का आनंद उठा सकें। बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी? बैठने की व्यवस्था जैसे कि आप अपनी कवरेज में दिखाएंगे कि हमने बैठने के लिए स्पेशली अरेंजमेंट किए हैं, जो स्टेडियम का लुक है वही मिलेगा। जैसे प्रो कबड्डी के मैच चलते हैं ऐसे ही मैच चलेंगे और प्रशासन ने भी पूरा सहयोग इस चीज़ में किया है। अभी बारिश का आपने जिक्र किया तो क्या बारिश की वजह से कोई परेशानी आएगी खेल वगैरह के? जी नहीं, वाटरप्रूफ टेंट हमने लगवाया है, बाकी तो देखो भगवान की जो भी मर्जी है। मतलब आपने अगर इस आयोजन को देखने के लिए आना चाहे तो क्षेत्र की जनता आ सकती है, बस सरते उनको गेट पास के माध्यम से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं चार्जेस कोई नहीं है। हालांकि चार्जेस लगते हैं लेकिन हमने हमारे महेंद्रगढ़ वासियों के लिए वो फ्री किया है। कितनी गैदरिंग रह सकती है, कितनी गैदरिंग आने की अनुमति? देखिए, एक साथ बैठने की व्यवस्था 1500 से 2000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। गेट पास कहाँ से मिलेगा? गेट पास यही ऑफिस से मिलेगा। तो पहले कोई बुकिंग होती है या कैसे क्या? नहीं, ऑन द स्पॉट भी आप करवा सकते हैं, अगर सीट्स फुल हो गई तो फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। जी बताइए, जैसे किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं और लगातार आप इस तैयारी में जुटे हुए और बहुत ही बड़े स्केल का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले दो दिन से आप लोगों ने भी अच्छी हर तैयारी हर मूवमेंट जो हुई उसको आपने दिखाया है, अच्छी तैयारियां चल रही आप सबके सामने हैं। और बाकी सारी बातें कुलदीप दलाल जी ने और करमवीर राव जी ने अच्छी तरीके से बताई हैं कि क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, बैठने की क्या सिस्टम है। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि कबड्डी का जो रुझान है, हम जो सारे लोग हैं वो केवल एक ही प्रयास में हैं कि कबड्डी को महेंद्रगढ़ में किस तरह से उठाया जाए, हमारा महेंद्रगढ़ जिला किस तरह से हरियाणा में अग्रणी हो और जो हरियाणा की टीम हो उसमें महेंद्रगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हों। इसलिए हम एक इंटरेस्ट, एक रुचि पैदा करना चाहते हैं हर बच्चे में, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों। और इसी के तहत हम पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं और इन 6-7 सालों में हमने कबड्डी को वो आयाम देने का प्रयास किया है कि हमारे महेंद्रगढ़ का नाम भी कबड्डी में कहीं ना कहीं जाके हो। उसका एक उदाहरण था कि पिछले महीने स्टेट चैम्पियनशिप हो रही थी पूरे हरियाणा की और उसमें सारे ज़िलों की टीमें गई थी, तो मुझे कहते हुए बड़े ही गर्व महसूस होता है कि हमारी महेंद्रगढ़ की टीम ने पूरे हरियाणा में मेंस सीनियर में स्टेट चैम्पियनशिप में फर्स्ट प्राइज लिया था, पहले स्थान पे रही थी। सर्कल कबड्डी में हमारे मेंस सीनियर की टीम दूसरे स्थान पे रही और महिला की टीम तीसरे स्थान पे रही। तो हम ये देखते हैं कि जब तक हम कबड्डी को हर जनमानस के बीच में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का बच्चा, पहले कबड्डी एक आम खेल होता था गांव में, खेलने का एक यही खेल था कबड्डी, था बहुत देसी खेल थे, लेकिन आज का की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारी छोटी प्योद है, वो मोबाइलों में ज़्यादा ध्यान है, मोबाइल गेम खेलना, मोबाइल बैठे देखना, शारीरिक मेहनत खत्म होती जा रही है। तो एक कबड्डी के थ्रू, कबड्डी के जरिए हम एक ऐसा रुझान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कबड्डी हर बच्चे के दिमाग में बसे और वो एक फिजिकल एक्टिविटी करते हुए अपना, अपने माँ बाप का, अपने ज़िले का, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। इसी प्रयास में मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारी फेडरेशन, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का, जिन्होंने पहले हमें 3 साल पहले सब जूनियर की एक प्रतियोगिता कराने का हमें मौका दिया था, वो हमने कराया। उसके बाद पिछले साल सीनियर बीच कबड्डी का टूर्नामेंट महेंद्रगढ़ को दिया था, जहाँ पूरे हरियाणा की टीम में आई थी, वो हमने कराया था। और उसी को देखते हुए
हमारे प्रयास को, हमारी मेहनत को देखते हुए फेडरेशन ने ये निर्णय लिया कि महेंद्रगढ़ ये पूरे देश का टूर्नामेंट है, नेशनल राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसको कराने में महेंद्रगढ़ समर्थ है। और इसी को देखते हुए फेडरेशन ने हमें ये मौका दिया और हमने मौका शहर से स्वीकार करते हुए ये आयोजन करवाने का जिम्मा लिया। सर जैसे एक अहम बात है इसमें, जैसे काफ़ी स्कूल वाले दौड़ में खड़े थे, सर हमें से पता लगा है श्री कृष्णा स्कूल को ही क्यों चुना, क्योंकि काफ़ी यूनिक बातें हैं कि श्री कृष्णा में ही ये प्रोग्राम क्यों रखा गया और भी काफ़ी स्कूल थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि पिछले 6-7 साल से हम इस प्रयास में हैं तो लगभग हर व्यक्ति की सोच का पता लगता है कि किस तरह से कौन इस जिम्मे को सबसे ज़्यादा उठा सकता है। करमवीर राव जी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, पुराने से उठते बैठते हैं, तो मुझे इस इनकी पता है आदत, इनकी सोच पता है कि क्या इनकी सोच है और ये किस लेवल तक मदद कर सकते हैं। और जब मुझे ऑफ़र मिला था नेशनल चैम्पियनशिप का तो मैंने सुबह सुबह करमवीर जी को फ़ोन किया और उन्होंने एक सेकेंड भी नहीं लगाया, ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा, कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, एक सेकंड में कह दिया कि हाँ बिल्कुल कराएंगे। और इन्हीं के भी आप पे मैंने आगे कह दिया जी बिल्कुल कराएंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जैसा उन्होंने कहा था उससे 21 काम कर रहे हैं, 19 की कोई व्यवस्था नहीं। तो इसमें जैसे लाखों रुपए का खर्चा आएगा तो खर्चे का कहाँ से क्या वहन होने वाला है? देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, जो खर्चा है मैंने आपको पहले बताया, टोटली खर्चा करमवीर राव जी कर रहे हैं। वो अलग चीज़ें होती है कि हाँ ये मेज़बान है और जब जो मेज़बान होता है ना वो ये देख के कोई भी कार्यक्रम नहीं करता कि मुझे खर्चा कहाँ से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारी कोई इस तरह की बातचीत हुई कि खर्चा दिलाओगे नहीं दिलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खर्चा हमें मिलता तो हम ही करा लें, फिर करमवीर राव कौन पूछे। लेकिन उस व्यक्ति ने एक सिंगल बार ये नहीं कहा कि मुझे खर्चा कहाँ से मिलेगा, उन्होंने दिल खोल के कहा जो खर्चा होगा मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,